दोस्तों आप सबको पता ही है कि बाइनेंस में बिटकॉइन माइनिंग हो रही है, ठीक है। बट ये माइनिंग सच में प्रॉफिटेबल है क्या या नहीं है, मैं आज आपको ये सब लाइव दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बिटकॉइन माइनिंग बाय की है उधर, और कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। और आप सबको पता ही है कि बिटकॉइन माइनिंग अभी एक ट्रेंड बन चुका है सब जगह, ठीक है। और मेनली है अभी हाल ही फिलहाल में एक दो दिन पहले आपने देखा रहेगा बिटकॉइन बहुत क्रैश कर चुका था। तो रीजंस क्या है बिहाइंड बिटकॉइन क्रैश के बारे में, क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बारे में, आगे और भी क्रैश होगा क्या, प्राइस क्या रहेगी, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेनली अभी तक कितने बिटकॉइन से बचे हुए हैं माइनिंग के लिए, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग बहुत जोरों शोरों से हो रही है सब जगह। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट दूंगा गाइस, कैटली माइनिंग, इसमें अभी साइनअप के बाद 500 कैटली टोकन जो क्लेम करने रहते हैं उसमें न्यू स्टेप्स आ चुके हैं। तो क्या स्टेप्स है वो भी आपको बताने वाला हूँ कि आपको 500 टोकन कैसे क्लेम करने रहते हैं, ठीक। कल बिटकॉइन इतना क्रैश क्यों कर रहा था जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसके बिहाइंड एक ही रीज़न था गाइस, मोस्टली प्रॉबली रीज़न जो था जो स्पेस एक्स है इलोन मस्क की, ठीक है। इन्होंने 373 मिलियन के बिटकॉइन के लिए हुए थे 2021 और 2022 में, और वो क्या किए शायद सेल किए, ऐसी न्यूज़ आ रही है। अभी ये आर्टिकल की मैंने लिंक भी आपको प्रोवाइड की है हमारे ट्विटर में, तो ये देखो कॉइन टेलीग्राफ में आर्टिकल भी इधर किया हुआ है। तो इन्होंने के सेल किया ऐसी खबर आ रही है, अभी श्योरिटी सेल किया है नहीं किया है ऐसी खबर आ रही है, उसके वजह से देखो मार्केट क्या है न्यूज़ बेस के ऊपर मतलब ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो अच्छा रिएक्ट करता है, नेगेटिव न्यूज़ रिएक्ट आती है तब है क्या बैड रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी आपके साथ शेयर करनी थी। तो अभी बिटकॉइन की वजह से बहुत सारे क्रिप्टो मार्केट ही थोड़ा मतलब डाउन आ चुका था। अभी देखो इधर दिया हुआ 9 बाइनेंस वालों ने खुद ने ऑलमोस्ट 93% बिटकॉइन माइनिंग है वो ऑलरेडी मतलब बिटकॉइन को माइन कर चुके हैं, अभी बचे ही है थोड़े, और अभी क्या आने वाली है हल्विंग आने वाली है। तो ऑलरेडी बिटकॉइन मतलब क्या बोलते हैं जो सप्लाई है वो तो ऑलरेडी लिमिटेड है, ऊपर से माइनिंग भी इतने हो चुके हैं तो कम रहेंगे बिटकॉइन ओवरऑल, ठीक है। और उसमें भी ब्लैक रॉक अगर स्पॉट के लिए उसको मिल गया तो वो तो और बाई करेगा। तो इन द रीज़न वो क्या करते हैं बड़े जो रहते हैं वो अपने लो प्राइस में बाई करना चाहते हैं लोगों को डरा के, तो ये डंप उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कोई घबराने की बात नहीं है, बिटकॉइन इन द फ्यूचर बहुत आगे जाने वाला है। आपने हमारा ट्विटर फॉलो नहीं किया तो अभी से जाके कर लो, इस तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स आती रहेगी आपके पास रेगुलरली। तो गाइस बिटकॉइन माइनिंग में कितना प्रॉफिट होता है कितना नहीं वो आपको मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो अभी न्यू मेथड क्या है कैटली में, जब हम क्लेम करने जाते हैं इधर साइनअप करने के बाद तभी है कि डायरेक्ट इधर 500 टोकन क्लेम नहीं होते, आपको इधर क्या करना पड़ता है इनकी एक आईडी दी हुई पे आईडी, इसको कॉपी करके इस पे आईडी पे कुछ भी अमाउंट भेज सकते हो, USDT BEEP20, ठीक है, 0.0001 कुछ भी थोड़ा भी अमाउंट आपको भेजना पड़ेगा ये वाले इनकी पे आईडी पे। जब भेजोगे उसके बाद अपनी खुद की पे आईडी नीचे आपको इधर सबमिट करनी है, और इधर बाइनेंस BEEP20 USDT एड्रेस वो तो आपको बताया हुआ है, और क्लेम योर टोकन करके आप फिर माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो ये न्यू मेथड आया था इसलिए आपको बताना था, बता चुका हूँ, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, इसमें रेफ़र करने रहते हैं और ये करने रहते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं भाई हम अपनी क्या बोलते हैं अनलिमिटेड ट्रिक जो बताई थी उसमें करते ही वो तो हटा रहे वो, अरे भाई मैंने कहे अनलिमिटेड ट्रिक वो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा के लिए नहीं रखी हुई, आपका मेन अकाउंट रहता है ना मेन अकाउंट उसमें क्या रहता है कि आपके रेफर बढ़ते रहते हैं इसके लिए बताइए, ऐसा नहीं कि जो एक्स्ट्रा है उस पर भी आप माइनिंग करते हो, वो माइनिंग करके स्टार्ट करके छोड़नी है, वो मेन अकाउंट में बूस्ट मिलता है इसलिए है कि वो है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली समझ गए हो कि कैसे रहता है, आप जाके अनलिमिटेड वाली ट्रिक चेक कर लो, उसमें मैंने बताया है बाइनेंस पे आईडी कहाँ से किधर वगैरह लेके आना है, ठीक है। तो इसमें ये न्यू मेथड था इसलिए आपको बताया है, और वीडियो की आई बटन में वीडियो दे दूंगा आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अभी बता देता हूँ बाइनेंस में जो है कि क्लाउड माइनिंग चल रही थी बिटकॉइन की, उसके बारे में अर्न सेक्शन में आना है, मोर में आना है, अर्न सेक्शन इधर पूल रहता है, पूल के ऊपर क्लिक करना रहता है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पूल खुलता है, इधर आपको क्लाउड माइनिंग करके लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना रहता है, क्लिक करते ही ये वाला पेज आ जाएगा और मेरी माइनिंग स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हो मिनिमम इधर $13 में एक टेराहैश का आपको बाय करने मिलता है बिटकॉइन माइनिंग का, क्लाउड माइनिंग एक सर्वर समझ लो कुछ भी समझ लो, ठीक है।
तो वो माइनिंग करने के लिए मिलता है। तो इधर मेरा ऑलरेडी माइनिंग मतलब मैंने बाय किया हुआ है और कितनी माइनिंग हो रही है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर हिस्ट्री में गए तो यहाँ पे मैंने $13 में एक बाय किया हुआ था, ठीक है। और ये वाला गाइस है मेरा माइनिंग किया हुआ, आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने 15/8 को बाइंग हुआ था, स्टार्ट हुआ था माइनिंग, और अभी तक कितना अर्निंग हुआ है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक्टिव है, ठीक है। अर्निंग हिस्ट्री पे हम क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज आ जाएगा। तो अभी तक 5 बार 0 है और 858 BTC मिले, और इधर एक दिन का कितना मिल रहा है वो आपको लाइव इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं बताऊँगा ये प्रॉफिट करता है या नुकसान। आप देख लो लाइव हमको कितना मिलता है पर डे का, 0.5 × 0.233 BTC पेड डेली के डेली आपके फंडिंग वॉलेट में आते हैं, ठीक है। अभी देखो इधर भी कितना है, 229 229, तो मतलब ये वेरिएशन अप डाउन होता है, बट आप मैक्स समझ लो, 229 से मैक्स अभी तक गया नहीं है, उससे कम ही गया है। तो मेरी स्टार्ट होके 4-5 दिन हुए हैं माइनिंग। अभी चलते कैलकुलेशन करते हैं कितना दिन के लिए। गाइस जो ये माइनिंग हमने बाय की है ये रहती है 180 डेज के लिए, मतलब 6 महीने के लिए सिर्फ। अभी 6 महीने में कितना प्रॉफिट होगा वो भी आपको बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे कहाँ लिखा है भाई ये, आप ऐसे ही हवा हवा में बोल रहे हो। ये देखो ना गाइस, इधर वैलिड टाइम लिखा हुआ है, और ये देखो 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 10/2 मतलब फेब्रुवरी 10 फेब्रुवरी को ख़त्म हो जाएगा 2024 के अंदर, ठीक है। तो ये 6 महीने के लिए रहता है सिर्फ। तो अभी इधर देख लो अर्निंग हिस्ट्री में, आप इधर जाके चेकआउट करो, यहाँ पे मैंने बोला है 5 × 0.233 BTC है या फिर 5 × 0.229 BTC है, ठीक है। तो हम 229 का जो एवरेज है उससे गिनेंगे, क्योंकि इधर 2 बार ये आया और इधर उससे भी कम आया है। तो 229 का एवरेज से हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं 6 महीने के लिए। तो गाइस देख लो ये पर डे हमारे पास इतने BTC आते हैं, ठीक है। तो हम 30 दिन के लिए गिनते हैं, मतलब 1 महीने के लिए हमारे पास इतने BTC आते हैं, इनको हम 6 महीने के लिए गिनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आप देख सकते हो टोटल आता है 0.000412 BTC। अब इसकी वैल्यू क्या बनती है चलिए जानते हैं। तो गाइस हम गूगल में आ गए हैं, बिटकॉइन टू USDT कन्वर्टर, ठीक है। इधर आने के बाद सिंपल जो हमारे था 0.000412, ठीक है, ये BTC है, और इसकी प्राइस आप देख लो। अभी है कि आपको यकीन हुआ, मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो आपको दी थी इससे प्रॉफिट होता है नुकसान, उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि सब लोग आपको बोल रहे बिटकॉइन बाय करो। अभी ये रियल में आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इसमें नुकसान हो रहा है। ये देखो 10.67 USDT हमको मिल रही है, वो भी 6 महीने के बाद, और हमने कितने लगाए उसमें $13। तो यहाँ पे देख लो आप, हमने कितने लगाए इसमें $13, ठीक है। $13 से हमने बाय किया है और हमको उधर प्रॉफिट कितना हो रहा है, $10। और गाइस ये है हमारा प्रॉफिट $10, और हमने लगाए कितने $13, मतलब ओवरऑल $3 का नुकसान, वो भी 6 महीने के बाद। तो मतलब इसलिए मैंने बोला था कि बिटकॉइन माइनिंग करके कोई मतलब नहीं है जो बाइनेंस में क्लाउड माइनिंग दे रहा है। ये मैंने 4-6 महीने पुरानी एक वीडियो दी थी आप सबको, उसमें ये बताया भी था। उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, हमारे के यूट्यूब चैनल पे आके सिंपल पॉपुलर पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली वीडियो है जो 26K व्यूज आए थे, तो बिटकॉइन माइनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको तभी भी बताया था नहीं होता है, और अभी आपको लाइव भी दिखा चुका हूँ कि नहीं होता है। बहुत लोग बोल रहे थे भाई होता है, करो करो करो, आपको लाइव मैंने दिखा चुका हूँ, $13 डाल के $10 मिल रहे हैं, वो भी 6 महीने के बाद, नुकसान वाला सौदा, ठीक है। तो यही आपके साथ शेयर करना था, और केटली के बारे में और कुछ अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले दोस्तों, टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे।